से उस समय में रियासत की कितनी बुरी दशा थी, 84 तो दारू की भट्टियाँ थी और 32 स्कूल थे। शिक्षा की थी वैसे ही व्यवस्था नहीं थी, दारू की 84 भट्टियाँ थी और स्कूल सिर्फ 32 थे। कुछ ऐसे दौर भोगना जी के साथ में कुछ ऐसी यादें जो बहुत जीवन में सबसे मुश्किल और कठिन दौर मुश्किल समय ये हुआ था जब भोगना जी का उपवास लंबा खींचता था। उपवास जी बहुत लंबा जब खींचता था, उन्होंने परिवार की तरफ तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उनकी बीमारी है, उनको शिक्षण है, उनका क्या है, इनके बारे में वो कहते मैं तांगे का घोड़ा हूँ, मेरी नज़र बस एक ही तरफ रहती है तो उसके बारे में, पर मुझे इसका वो नहीं था क्योंकि ठीक है हमने मैंने उनको प्रेरित किया था। 48 रुपया खर्चा आया था हमारे, 48 रुपये शादी का खर्चा, 24 इनका और 24 मेरा, इन्होंने अच्छा बिल बराबर 24 हाँ हाँ बिल अदाई के लिए मैंने बिल भी लगाया है उसमें। इस तरह के कई तरह के आरोप, कई तरह के मुआवजे को लेकर के आरोप कि इस जगह जमीन ले ली या इस जगह घर ले लिया या ये कहते थे कि मैं कभी जगह नहीं छोड़ूंगा, मतलब कई तरह के जितने मुंह उतनी बातें। इस तरह के जब आरोप उस दौर में लगते थे तो उनसे कैसे उभरते थे, या जब कभी ऐसा अफसोस होता था कि जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं के बीच से नहीं होता था। तो मैं 3-4 साल की थी, अच्छा। मैंने कहा मैं तो उसके बहू बनूंगी जो चाय पिलाएगा मुझे। नमस्कार, कुछ मीठी कुछ तीती के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। मेरे साथ फ्रेम में आप जिन्हें देख रहे हैं वो उत्तराखंड की एक विराट शख्सियतों में शामिल हैं, लेकिन कई लोगों के साथ ये होता है कि उनका जो पार्टनर है वो अपने आप में इतना विराट होता है कि उसकी छवि के तले जो उनका बेटर हाफ है, जो उनका दूसरा पार्टनर है, उस पर उतनी चर्चा नहीं होती। कुछ ऐसा ही हमारे उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी शख्सियत सुंदरलाल भोगना जी के जीवन में भी हुआ कि उनके जीवन पर जितनी भी चर्चाएँ हुई उसके लगभग वो आधी ही मानी जाएंगी, क्योंकि उनकी बाकी की जो आधी उनके जीवन संघर्ष में उनके साथ रहीं उन पर कम बात हुई है। आज हमारे साथ में विमला भोगना जी हैं, उन पर बात करेंगे, उनके जीवन संघर्ष पर बात करेंगे। माँ जी आपका बहुत स्वागत है बारह मास। धन्यवाद जी। ये जो हमारे कार्यक्रम है इस कार्यक्रम का नाम है कुछ मीठी कुछ तीती, जिसमें आपके जीवन से जुड़ी कुछ बातें हम करेंगे, और आप शुरू वहाँ से कीजिए, भोगना जी से आपकी शादी होने से पहले का जो जीवन था जी उसके बारे में शुरू में कुछ बताइए। जी मैं एक वनाधिकारी की बेटी थी जी, तो हमारा बचपन अक्सर प्रकृति के बीच में जंगलों में बीता और अपने गढ़वाल के विभिन्न हिस्सों में हम लोगों का उनके साथ लोगों की परिस्थिति को समझने में जी ये बचपन से हमको सौभाग्य मिला। तो जब अपनी याद में मुझे 2-3 घटनाएं, एक तो अपने फकोट के जीवन में, एक रमोली के, वहाँ से मुझे ज़्यादा अपना वो होता है। अच्छा। मेरे वो तो बचपन में मुखवा में, मुखवा में, मुखवा में जन्म हुआ, उसके बाद फिर जंगलों, फिर हम लोग जब मैं अपने होश में जब आई तब मैंने देखा कि पहाड़ में वैसे हमारे यहाँ तो ऐसी वो तो नहीं है विषमता, ऐसी विषमता तो नहीं है जैसे कि मैंने आगे आएगा बिहार में, लेकिन रमोली के क्षेत्र से मैंने देखा कि वहाँ वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ की सिंचित भूमि बहुत कम है और वहाँ के लोग दो वर्ग हैं, एक तो ठेकेदार वर्ग है, एक साहूकार वर्ग है और एक मजदूर वर्ग है। तो ठेकेदार तो ठेकेदारी से कमाता था और साहूकार उससे कमाता था सूद से, और जो आम वर्ग है उसके पास कोई रोजगार नहीं था, खेती की इतनी उपज नहीं थी जो कि अपना निर्वाह के लिए, तो लोग बाहर चले जाते थे। तो इस प्रकार वहाँ मैंने गरीबी देखी कि आती थी महिलाएं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, ऐसे युवकों को मेरी माँ के पास कहती थी आज हमारे घर में खाने के लिए नहीं है। तो मुझे बड़ी वो होती थी और साहब और लड़ तब वहाँ मैंने देखा कि लड़की का
व्यापार होता है। अच्छा। क्योंकि सेठ जो है उस घर में तीन तीन चार चार पत्नियां हैं और उम्र 60 साल है और 14-15 साल की लड़की से उसके फिर दूसरी शादी तीसरी शादी, क्योंकि पैसे से खरीद करके, क्योंकि वो गरीबी है ना, तो गरीबी के लिए लड़की को बेचा जाता है जी। तो मुझे अब जब माँ जी के साथ वो बात करते थे तो मुझे बड़ी वेदना होती थी, इतनी छोटी लड़की इस बूढ़े के साथ में कैसे जीवन बिताएगी, और घर में तो दो तीन और हैं उनके ताने सुनते हुए। और तो मैंने लगा लड़की कोई बिकने की वस्तु और उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वहाँ से मुझे फिर ये शुरू हुआ मेरा समाज के बारे में सोचना, किस प्रकार से समाज में विषमता और लड़की की कीमत जी। वहाँ से सामाजिक सरोकारों से जुड़ने की शुरुआत हुई। शुरुआत हुई। अच्छा। और फिर हम 5 महीने जी, फिर 1 महीने 2 महीने 3 महीने तो ठीक थी, जब तीसरी बहन हुई तो लोग कहने लगे साठ पे एक डिग्री और हो गई क्योंकि हमारे मध्यम पर वो जो वर्ग जो था वहाँ दहेज का शुरू था। हाँ। तो दो आम महिलाएं जब उससे आती थी सौर ग्रह से तो क्या हुआ लड़की हुई तो कहते साठ पे एक डिग्री और हो गई, पर मेरे पिताजी कहते तो खबरदार किसी ने ऐसा शब्द कहा, सब अपने भाग्य लेके आते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे पिताजी तो बहुत आगे बढ़े हुए हैं लेकिन समाज में लड़की की क्या स्थिति है, एक एक तरफ तो बिक रही है और दूसरी तरफ वो भार है इसलिए कि दहेज के रूप में कि वो डिग्री हो गई साथ के घर में। तो दोनों मेरे उसमें हो गए। फिर आगे तब उस बार हम बंगान के क्षेत्र में गए जी। बंगान का जीवन मुझे बहुत आनंददायक लगा, सबसे अच्छा मेरा बंगान। अच्छा। वहाँ मैं तब तक आपकी उम्र कितनी रही होगी बंगान? 10-11 साल। 10-11 साल। 10-11 साल की थी मैं तब, 10 पर 3 साल रहे हम वहाँ। अच्छा। 10-11-12 में मैं वापस आ गई थी जी। तो वहाँ वो सीमा क्षेत्र था हमारे उससे लगा हुआ जी, बल्कि रियासतें हिमाचली रियासतें थी उस तरह, और वहाँ के लोगों को मैंने ज़्यादा प्रसन्न देखा, महिलाओं को वो था प्रकृति के बीच में था हमारा जो निवास था, तो उस निवास में पिताजी ने हिम्मत की उसमें रहने की, क्योंकि लोग कहते हैं कि यहाँ तो भूत आता है जो उनके लिए बना था, यहाँ तो भूत आते हैं और आश्चर्य आती हैं और वो करती हैं तो यहाँ पर परिवार को रखना ठीक नहीं है। पिताजी ने कहा नहीं मैं तो यहीं रखूँगा और मैं देखता हूँ कैसे भूत आते हैं। उन्होंने अपने जो बना था उस पर हमको रखा और उसमें आस पास खूब अच्छे जंगल थे, तो हम मेरे भाई विद्यासागर जी और मैं हम दोनों भाई बहन को पिताजी ने ज़्यादातर अपने बच्चों का शिक्षण अपने आप ही किया। वैसे उस समय में रियासत की कितनी बुरी दशा थी, 84 तो दारू की भट्टियाँ थी और 32 स्कूल थे, तो शिक्षा की थी वैसे ही व्यवस्था नहीं थी, दारू की 84 भट्टियाँ थी और स्कूल सिर्फ 32 थे। तो हम जो हैं वैसे शिक्षा का तो पिताजी ने अपने बच्चों को अपने आप वो किया शिक्षण किया। तो पिताजी हमको दोनों भाई बहनों को, दो बहनें तब छोटी थी जी। तो हमारा वो शिक्षण वो घर पर करते थे, तो अब जब दौरे पर चले जाते थे तो हमको वो एक हफ्ते का जितना दिन है उतना वो हमको दे देते थे काम, इतना काम तो उस समय तक करके रखना। अच्छा। तो हमारी बड़ी मस्ती शुरू हो जाती थी, अरे तो एक हफ्ता है, दोनों भाई खूब घूमते थे जंगलों में जा करके, हमारा वो जो था अपना पारिवारिक सेवक दो रहते थे, एक पिताजी के साथ जाता था। अच्छा। एक हमारे साथ रहता था, तो उसको लेकर के हम जंगलों में, हम दोनों भाई बहन जंगलों में चले जाते थे। तो एक दिन ये विदेश आ गया, बहुत चंचल था, तो बुरांस के सुंदर फूल खिले रहते थे जी। तो बुरांस को वो लाता था तो पकौड़ी बनाती थी मेरी माँ, तो विदेश आकर अपने को रोक नहीं सका, दौड़ दौड़ उस पर चढ़ गया कि मैं जाता हूँ और मैं तोड़ता हूँ, और वो उस पेड़ से गिर गया, जिस टहनी से जिस उसने तोड़ा वो नीचे गिर गया, बुरांस के पेड़ से, बुरांस के पेड़ से। अच्छा। गिरा तो पत्तियाँ थी नीचे, तो जैसे वो गिरा वो टहनी टूटी वो गिरा तो वो तो भाग गया रेचन। अच्छा। उसने सोचा मैं पकड़ा जाऊँगा, और हम तो घर कुछ बता के नहीं आए थे, माँ जी दोपहर को सोए थे और हम आ गए, तो और वो पत्तियों में फिसलता फिसलता नीचे चला गया, और वो तो पूरा भागता जा रहा था कि मैं पकड़ा जाऊँगा, और मैं रोती जा रही थी, मैं रोते रोते जैसे फिसलता फिसलता नीचे आया तो जब समतल जमीन थी वहाँ पर वो खड़ा हो गया, तो कहने लगा तुम क्यों रो रहे हो, मैं तो ठीक हूँ।
तब मैंने उसको बुलाया वापस कि अरे ये बच्चा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा तू आ। तो वो घटनाएं बड़ी याद रहती हैं। और ये जिन विद्यासागर का जिक्र हो रहा है वो अपने आप में एक कमाल की शख्सियत हुए। आगे चलकर उन पर विस्तार से बारहमासा ने कार्यक्रम किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग मेंशन कर देंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये वहीं की बात है जब आप लग बंगान की बहुत मस्ती वाले दिन थे। और उसके बाद आंदोलनों से जो सर्वोदय आंदोलन था और इन सब से जुड़ने की शुरुआत कहाँ से होती है? अब इसमें भी थोड़ा अंधविश्वास कर दूं कि अंधविश्वास में बंगाल में जो लोगों के बीच में अंधविश्वास था है ना, तो लोग जब फिर वो घटना तो हमने नहीं बताई अपने उसको, अच्छा अपने घर वालों को घटना नहीं बताया कि हम गिर गए थे। लेकिन घूमने गए और हम मशरूम ले आए, मशरूम क्योंकि यहाँ से वो गया था फरमान राजा के यहाँ से, कलेक्ट इतना जुमला एजुकैन, जितना तुम जुमला इकट्ठा कर सकते हो उसको करो। हमारे कर्मचारी इकट्ठे करते तो विद्यासागर में भी चले जाते थे, लाए खूब जुमला इकट्ठा करके, तो उसके बीच में कुछ चो भी था, अच्छा। उसको कुछ नशा हो गया। तो एक दिन मेरी माँ ने, माँ भी घूमने जाते हम लोग सब घूमने जा, तो एक दिन वो उसको खा करके रात को बेहोश हो गई, बेहोश मैंने कुछ बकने लगी, तो सब ने कहा कि वो जो है, एक दिन मैं बेहोश हो गई इसी प्रकार जंगली फल खा करके, तो लोगों ने कहा कि साहब मानते नहीं है, अरे तो भूत इन पर जो आश्री है उसका वो लग गया। फिर वो घटना हुई, फिर माँ वो हो गई, फिर उनके बारे में कहा वो मानते नहीं हैं और जब तक बलि नहीं दी तब तक नहीं मानेंगे। और पिताजी ने कहा कि जिसे खाना है मुझे खाए, पर मैं बलि नहीं दूंगा, अरे घर भी नहीं छोड़ूंगा, ये सब अंधविश्वास हैं। तो इस प्रकार से लोगों को अंधविश्वास से हमारे भीतर एक शक्ति भरी कि ये चीज़ें नहीं हैं, ये भूत और ये सब चीज़ें नहीं हैं, ये अपनी उससे गए, जैसे ज़्यादा खा जंगली फल ज़्यादा खा लिया उससे हो गया, तो उससे हमारा वो बढ़ा। और भूत ये इन सब बारों में बहुत आत्मबल, सामाजिक दृष्टि की लड़की बाहर नहीं है वो तो अपने वो होती है, फिर आत्मबल के अंधविश्वास कोई चीज़ नहीं है, निर्भयता और जंगलों के प्रति प्रेम, ये चीज़ें पिताजी के। और स्कूल के स्तर पे आप उस दौर तक लगभग कौन सी तो वहाँ तो पिताजी ने मुझे वहाँ पर आठवीं तक अपने घर पर पढ़ाया, मेरे भाई को उन्होंने फिर विद्यासागर को उन्होंने जब हम बंगाल से आए तो प्रताप इंटर कॉलेज में भर्ती कर दिया, पहले भाई जी को वहाँ भर्ती कर दिया था। और मेरे लिए कहा कि लड़कियों के लिए व्यवस्था नहीं है, केवल आठवीं तक है, उसके लिए तो मैं तुझे घर पर ही पढ़ाऊँगा, और मुझे उन्होंने आठवीं तक कर। पर मुझे लगता था कि दोनों भाइयों को तो आगे पढ़ने का मौका मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद फिर हमारा ट्रांसफ़र वहाँ हुआ फकोट में, फकोट में आया, तो तब फकोट में वो जमाना आ गया था जब सुमन जी की गिरफ्तार, सुमन जी के बारे में, श्रीदेव सुमन जी की, श्रीदेव सुमन, तो वहाँ जो था वहाँ हम एकदम दूसरे बूथ में थे, और यहाँ हम फिर क्योंकि बीच में थे राजा के बीच में, फिर राजा का दौरा हुआ तो राजा की बोलाना बदरी सुनते थे, तो सभी लोग इकट्ठे होकर के उसके ऊपर लेता था, तो उनका दौरा देखा कि किस प्रकार से राजा आए, फिर डंडियों पर, फिर पालकी पर, फिर डंडियों पर, उनका वो देखा, फिर बोलाना बदरी, फिर हमने कहा ये कैसे बोलाना बदरी हैं जिन इसके साथ इतनी लंगर क्यों चल रही है लड़कियों के, जिसकी उस सोचना शुरू किया। फिर उसके पर फिर उसके बाद में ये चर्चा सुमन जी के बारे में, फिर चर्चा वहाँ लोगों में चलने लगी कि सुमन गिरफ्तार हो गई हैं, सुमन पर प्रतिबंध लग गया है खुद पर। तो फिर उस ज़माने में फिर सामाजिक उससे फिर ज़्यादा गहराई से सोचना शुरू किया, और फिर तब उसी दरमियान में फिर सुमन जी का वो हो गया बलिदान हो गया। और उसमें फिर सुना कि हमारे ये तो हमारे पास के गांव के एक ही गांव के बहुना जी भी उसमें गिरफ्तार हो गए हैं, ये हमने वहीं सुन लिया था। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे भाई पर जयपुर से आ गए अपने पुरानी कॉलेज से, और उनका हमने भेज वो तो बहुत फैशनेबल वो थे, बहुत उच्च जाने, अब उन्होंने देखा वो सारा बदल कर उनका खादी का कुर्ता और वो पहने हुए और घूम उन्हें और पढ़ाई छोड़ के आ गए, बगावती बन के राजशाही के खिलाफ, वो हमको एकदम वो लगा कि सारा बेस उतर पढ़ाई। तो तब अब मुझे लगा फिर विद्यासागर वो भी फिर बगावती हो गया अपनी पढ़ाई के साथ साथ, वो भी पकड़े गए यही पकड़ा गया, मैं सोचती थी मैं तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए पर महिलाओं का कुछ था नहीं। तो उसी ज़माने में ये उसमें
पहले सकलाना में हुआ, सकलाना से लोगों ने शुरू किया अपना आंदोलन और लोगों की उसमें विजय हुई, उन्होंने उनको दे वो बंद देना बंद कर दिया आलू टैक्स जो लगाया था। तो फिर जनता की हिम्मत बढ़ी, एक जगह जहाँ दौलत राम जी के गुस्से देवप्रयाग की तरफ में, तो वहाँ पर जो थी वो नागिन सकलानी दो हो गए, तो उनका जो जुलूस आया तो वो हमने उसमें हम भी शामिल हुए, उसको देखने अपने अपने गाँव से राशन ले करके पहुँचे और उसमें कम से कम 20,000 लोग होंगे उस दिन के लिए, आप तो तब पैदा ही नहीं हुए। तो ये तो उस दौर की बात है जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय का जी। तो फिर तब मुझे लगा कि अरे इतनी बड़ा आंदोलन और फिर इतनी भागीदारी, बस केवल हम गांव से बहुत बड़ा जुलूस गया अपना राशन लेकर के गया और वहाँ पर सारे आदमी आदमी थे और गुणानंद पति की कविताएँ सुनी वहाँ पर, तो फिर तो वो तो अपना हाथ में ले लिया था प्रजामंडल ने शासन वहाँ से हो गया। तब मेरे भाई जी को लगा कि अब इसके लिए आगे की शिक्षा के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा। पहले सोचते थे कि वनस्पति अपने वो जाओ, फिर तब उनको सरलाबेन का पता चला। अच्छा। तब उन्होंने मुझे तब सरलाबेन के साथ में आपका वो शुरू हुआ, उन्होंने उन पचास में जुलाई में उन्होंने मुझको, उस समय हमारी अंतरिम सरकार थी जी उस समय, तो उन्होंने ये तय किया कि ये लड़के इनको भेजेंगे और फिर इनके द्वारा महिला जागरण का काम करेंगे। इस दृष्टि से भाई जी ने हम चार लड़कियों को भेजा, तो कोसानी लक्ष्मी आश्रम उन 50 की बात है ये जुलाई, तो सलाबेन के पास गए। अब पहुँचे तो हमने देखा सलाबेन वहाँ की प्रिंसिपल, तो जब उनको कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त? मेरी उसमें 16 पूरी थी, 16 32 में, 32 का जन्म है और 49 में मैं गई थी। अच्छा, 17 साल के करीब। सत्रह। तो जब हम गए, हम चार बहनें थी, तो बहन जी को पता चला कि आ गई हैं लड़कियाँ जिन्होंने आना था, तो आई तो उनके हाथ में कोला कुटली थी है ना, और आवे का वो और ये पहनी हुई थी और बंदे बंदे मातरम ये बोला हमसे, और हम तो देखते रह गए कि प्रिंस विल और पहला वो जी। फिर बातचीत हुई, फिर हमारा सारा वो तय हो गया भाई जी के साथ और उसका पाठ्यक्रम तय हो गया। और तो फिर भाई जी थे, एक दो दिन के बाद आ गए हमारे लिए, पहले वहाँ गांधी आश्रम में गए, खादी के पूरे चार जोड़े कपड़े वगैरह, क्योंकि नियम था कि सब खादी पहनना है, भाई जी तो पहनते ही थे तो हम भी, तो फिर हमारा कार्यक्रम तय हो गया। तो वहाँ का खाने देख करके हम तो चाय का तो सवाल ही नहीं था, और मैं चाय की बहुत शौकीन थी। अच्छा। क्योंकि मैंने अपने बचपन का जो उसमें लिखा भी है ना कि मेरी बहुना जी माँ ने जब बचपन में, मेरी बुआ जी थी उनके यहाँ, तो जब उन्होंने कहा प्यार से कि मैं तुझको अपनी बहू बनाऊंगी, तो मैं 3-4 साल की थी, तो मैंने कहा मैं तुझकी बहू बनूंगी जो चाय पिलाएगा मुझे। तो सब लोग हंसने लगे कि इतनी छोटी और अपनी छत रख रही है। तो खैर, तो चाय तो कहाँ से होता, वहाँ तो सब चीज़ें जो थी छोंकना भूटना कुछ नहीं, सब बिल्कुल सादा था, उबाल करके। तो पहले हम खाया नहीं गया, फिर धीरे धीरे हमने कहा कहाँ पहुँच गए हम जंगल में। बहन जी ने अपने उसमें लिखा भी है अपनी विदाई, जो उनका लेख है मेरे आने पर, उसमें उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से हम आए थे और उनकी क्या सूरत थी और कैसे। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल रहे, मतलब बहुत मुश्किल ना रहे लगे, पर हमने देखा कि गांधी से मुझे, क्योंकि भाई जी के द्वारा गांधी का साहित्य पढ़ा भेजे थे और उनके बारे में सुना था जाना था, तो और दिलचस्पी थी सुमन जी के गांधी जी के इस बारे में, तो देखा कि गांधी जो कहते हैं इस महिला में है, और ये महिला तो यूरोप के जिन सुविधाओं के लिए हम सोचते हैं कि हम पढ़ लिख करके इन सुविधाओं को प्राप्त करेंगे जीवन में, तो सुविधा नहीं बल्कि ये तो उसको छोड़ के आ गई है और जंगल में बैठी है। और क्या गांधी जी को लिखा वो गांधी जी ने भेजा तो उनके लिए था कि स्वास्थ्य सुधार के लिए, क्योंकि वहाँ बीमार हो जाती थी मलेरिया से वगैरह में गर्म था, वो विलायत की थी, तो एक साल के लिए भेजा था। और फिर उन्होंने वहीं वो स्वतंत्रता संग्राम में लग गए, जेलों में गए, और वहाँ के कमिश्नर ने कहा कि सबसे खतरनाक व्यक्ति है सलाबेन। तो फिर हमने सोचा, और तब उन्होंने गांधी जी को लिखा कि बापू अब मैं एक साल नहीं, अब मैं यहाँ के पहाड़ का जीवन यहाँ की स्त्री शक्ति पर निर्भर है,
लेकिन उनमें अपने आत्मशक्ति का एहसास नहीं है। सब करते हैं, बच्चा, खेती, पशु, सब उन पर निर्भर है। आदमी तो रोजगार के उसमें बाहर है, कुछ जेलों में है, पर उनको गौरव है कि हमारे आदमी, हमारे भाई, हमारा बेटा अपनी देश की आज़ादी के लिए जेलों में है। पर जब बहन जी कहते थे कि हम महिलाओं की क्या भागीदारी हो, हम लोग मिल बैठ के चर्चा करें, तो उनका जवाब होता था, बहन जी तो पुरुषों को काम है, जनाने जात अंजात रात, ये बौद्धिक जो है पुरुषों का। तब उनको लगा, तो उन्होंने उनको लिखा कि मैं लड़कियों की शिक्षण संस्था शुरू कर रही हूँ, 20 साल के बाद अपने काम का परिणाम आपको बता सकूँगी, जब मेरी लड़कियाँ दूर दराज के क्षेत्रों में जिस आज़ादी के लिए हमने ये वो किया है उसका एहसास, आत्म शक्ति पैदा कर सकें, आत्मविश्वास आम आदमी में, महिलाओं में, तब मैं आपको अपने काम को वो दूँगी। तो हमको वो एक हमारे सामने चुनौती थी, उन्होंने ये वो कहा था। तो फिर धीरे धीरे हम फिर उस वातावरण में हो गए। तो बहन जी तो बड़ी पारखी थी जी। उन्होंने दो बहनों को, तो एक ने तो उन्होंने 1-1.5 साल के बाद अपना बेटी की शादी कर दी। अच्छा। लेखनी हमारी जो थी जी, वो ये वो टेरी की विजय सागर रघुबे के साथ, अच्छा, जो उनकी पत्नी थी, तो उन तो शादी कर दी, तब तीन थे। तो दो को बहन जी ने आरोग्य सेवका के लिए इलाहाबाद भेज दिया। अच्छा। और मुझे अपने पास रखा। और मेरे पिताजी को पहली जो वो भेजा रिपोर्ट, उसे लिख दिया कि सबसे अच्छी कार्यकर्ता बन सके। अच्छा। भविष्य में। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अपने पास रखा, तो फिर मुझे पढ़ाती भी गई और मुझे शिक्षण का काम भी दे दिया छोटे बच्चों का। हाँ। तो मैं पढ़ती भी रही और पढ़ाती भी रही। उसके बाद बिनोद जी का बौद्ध आंदोलन का वो आया दौर, तो मैंने सोचा आंदोलन, बिनोबा जी के बारे में बताती थी कि गांधी के बाद बिनोबा जी एक व्यक्ति है जो कि भूदान आंदोलन फिर अपने उस पे आया। हाँ। तो फिर उन्होंने जब ये चर्चा होती थी शाम को, चर्चा मंडल में बैठते थे, तो उनका वो आया कि वो बिनोबा ने आह्वान किया कि हमारे सारे उसके जो हैं, केरल में तो हिंसात्मक आंदोलन हो गया था ना कम्युनिस्टों ने, हिंसात्मक तरीके से अमीरों से जमींदारों से उनको मार करके जमीन लेना शुरू कर दिया था। तो कम्युनिस्ट जेल में थे, कुछ लोग जेल में थे। तो फिर वो बिनोबा जी सर्वोदय वो था, वहाँ गए, तो उन्होंने एक उसमें मीटिंग में कहा कि ये हिंसात्मक कार्रवाई ठीक नहीं है, हमको प्रेम से आपस में जमींदारों को और भूमिहीनों को वो करना चाहिए। तो एक भाई ने, रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि मैं 100 एकड़ जमीन देता हूँ। तो बिनोबा जी को लगा ये भगवान का वो है ये, तो उन्होंने बस अपने तय कर लिया कि मैं लगातार घूम करके ये भूदान आंदोलन करूँ। फिर उन्होंने एक वो निकाला कि सर्वोदय विचार को मानने वाले जितनी संस्थाएँ, जितने लोग हैं, वो एक शक्ति बन करके इस काम में लगें, कुछ परिणाम निकल सके। तो मैंने बहन जी से कहा कि हमारे ये भी जाना चाहिए। मुझे लगता था कि मैं तो आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं ले सकी, तो इस आंदोलन में तो कम से कम लूँ। तो बहन जी को लगा कि ठीक है, उन्होंने मुझे वहाँ जाने की व्यवस्था कर ली। तो 1 साल में बिहार में घूमी, बिहार भूदान आंदोलन, और वहाँ मुझे बहुत फायदा हुआ जी, क्योंकि मैंने विस्तृत क्षेत्र देखा जी, और जमींदार और मजदूर का वो मैंने देखा, हमारे पहाड़ में ऐसा नहीं है। केवल रमौली के क्षेत्र में मैंने भूखा देखा लोगों को, वो भी कुछ समय के लिए, लेकिन ऐसा नहीं देखा कि इतना वो है, भूमिहीनों की इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी संख्या, और एकदम मजदूर और मालिक बिल्कुल। जब मालिकों से मैं, हम कहते थे कि दो कहते थे कि क्या हम अपने, हम महिलाएं उनके पर्दे में रहती हैं, वो तो उनको पसंद नहीं है, तो कहते हमारी क्या इनको जमीन दे देंगे, हमारी महिला और क्या जमीन वो बर्तन मलेंगी, हम यदि उनको जमीन दे देंगे हमारा काम कौन करेगा, क्यों देंगे हम, ये तो पागल है जो कि ऐसा कह रहा है। लेकिन उसी में देखते थे हम कि जब बिनोबा जी के पास जाता तब वही जो है अपनी जमीन देने को हो जाता, आप फिर धीरे तैयार हो जाता, दिया। तो उसने 23 लाख एकड़ हो गई थी उस समय, जिसमें मैं 1 साल रही मैं वहाँ करीबन। तो फिर वहाँ घूमी, वहाँ गाँव गाँव में स्थानीय लोग थे, और उस समय मेरा सौभाग्य था, उस समय कई विदुषियाँ, तरुणियाँ अपने कोई कॉलेज छोड़ के आई थी इस्तीफा दे करके, कोई पढ़ करके आई थी, और बिनोबा के आंदोलन, सुशीला अग्रवाल थी वो इंद्रप्रस्थ कॉलेज छोड़ के गई थी,
और तो उनके साथ वो जो उनका सेक्रेटरी थे जैसे बहन जी ने उनको साथ वो किया था, तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हारे जो मैं तुम अपने साथ कार्यक्रम बनाओ। अच्छा, तो उनके साथ मैं पहले उनके साथ घूमी, तो उनको लगा कि मेरे साथ रहेगी तो इसका विकास नहीं होगा बोलने को। फिर उन्होंने अलग अपनी अलग और अलग, फिर जो स्थानीय लोग होते थे उस समय तो बिहार में बहुत अच्छा माहौल था, सब पार्टियों को एक उस पर ला दिया था, सब उस आंदोलन में सभी सोचते थे कि भूमि समस्या के लिए हमको एकजुट होना चाहिए। और ये आपकी शादी से थोड़ा ही समय पहले की बात है? हाँ, 53 की बात है जी। 53 में मैं वहाँ थी, तो फिर एक वहाँ सारे देश के सर्वोदय जो दिग्गज थे उनसे वो हुआ, धीरेन भाई, दादा धर्माधिकारी और जयप्रकाश नारायण, तो सब मैंने अपने उसमें लेख में लिखा है। तो उन सब के भाषण सुनने को और उनके निकट वो करने को, और इन सब लड़कियां जो थी देखा कि इतनी सारी लड़की लोग सर्वोदय में, सदा में ही नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है और लड़कियां हैं मेरी तरह बहुत जो काम कर रही हैं, और वो भी बहुत कुछ है, कर्म पहाड़ का वो जो होता है तो मेहनती तो होता ही है ना। और तो फिर जब बहन जी ने वहाँ के लोग कहते थे ना तुम तो यहीं रहो, यहीं सेटल हो जाओ और हमारे यहाँ हम तुम्हें तुम्हारे कोई कमी नहीं कर, लेकिन बहन जी का वो गया कि तुम्हें वापस आना चाहिए, हमको पहाड़ों में ये काम करना है। अच्छा। अब लोक जागरण का हमें, तब फिर मैं वापस आई बिना वजह से। तो फिर जैसे मैं वापस आई तो पहाड़ में उस समय बहुना जी तो हरिजन के सेक्रेटरी थे और कांग्रेस के प्रधान थे, वो राजनीति में थे, राजनीति थे, धुरंधर राजनीतिज्ञ थे, धुरंधर राजनीतिज्ञ थे। और आप आपका उनसे मुलाकातें कुछ हुई थी उससे? तो मुलाकातें तो हमें वैसे तो हम एक ही गुस्के हैं, पर कार्यक्रमों के बारे में। अच्छा। और जब सदमन का कार्यक्रम बना था दादा धर्माधिकार, तो मैंने उनसे पत्र व्यार किया। अच्छा। वो भी हैं उसमें किस प्रकार से बहन जी चाहती हैं उसमें, तो उन्होंने उनके पत्र हैं कि कितना दिन का होगा, कम से कम इतना दिन का होना चाहिए, तो उसके माध्यम से फिर पत्र व्यवहार शुरू हुआ। फिर बहन जी आए, हम घूमे कोटद्वार में, फिर टिहरी में, देवी, इन जगहों पर हमारी यात्राएं हुई। तो उसी दर उनको तब ये 53 की बात है, 54 में हम 53 में मैं बिहार में थी, 54 में मैं यहाँ आ गई है ना, 54 में हमने फिर कार्यक्रम शुरू कर दिए। तो फिर लोगों ने मेरे पिताजी, क्योंकि अब मेरी शादी का अब वो नहीं जम रहा था और मेरे पिताजी पर बहुत दबाव था परिवार का, मेरे चाचा जी पर होता ही है क्योंकि शादी नहीं कर रहे और लड़की जवान हो गई है और उसकी शादी, तो अब पिताजी कुछ मेरे वो ही नहीं था। तो फिर इनसे पूछवाया तो इन्होंने कहीं के लिए स्वीकृति नहीं दी थी, इनके भाई वगैरह भी होते कई प्रस्ताव तो कई आते हैं। तो फिर इन्होंने जब इनकी स्वीकृति का पत्र मिल गया, ये आए और ये कौसानी आए देखने के लिए। अच्छा। कार्यक्रम हुए पर उन्होंने हमसे कोई जिक्र नहीं किया। अच्छा। और मुझे भी कुछ पता नहीं था, मुझे एक उन्होंने कहा कि वो पूछते हैं, बहुना जी पूछते हैं कि तुम्हारा भाभी कार्यक्रम क्या है। अच्छा। उन्होंने भी एक बार मुझे पूछा कि तुम्हारा भाभी कार्यक्रम, मैंने कहा पिताजी पर निर्भर है वो जो करेंगे। तो फिर वो आए कौसानी और कौसानी एक दिन रहे, देखा वहाँ का सारा, पर मुझसे कोई आपसे बात नहीं हुई मैंने और चीज़ें भी। अच्छा। कार्यक्रमों के वैसे बारे में नहीं, जैसे सार्वजनिक होता, पर ये शादी के बारे में, शादी के बारे में कोई जिक्र कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने। उन्होंने सोचा होगा इसको मालूम, पता नहीं क्या सोचा, पर उन्होंने रास्ते से मेरे पिताजी को स्वीकृति का पत्र लिख दिया। अच्छा। हाँ, उसमें उन्होंने वो पत्र अब छपेंगे। तो अब पिताजी को जैसे उनकी स्वीकृति का मिला वो तो बहुत खुश हो गए, और खुश हो गए तो उन्होंने लिखा हमारा फिर 55 में। अच्छा। आने का कार्यक्रम था, ये दादा धर्माधिकारी वगैरह का कार्यक्रम था, उसके लिए हमें आना था। तो उन्होंने लिखा कि विमला और बहन आप आ ही रही हैं, तो विमला उनको भी लिखा, मुझे भी लिखा कि तुम अपना सामान लेके आना कि तुम्हारी शादी तय हो गई है 19 जून को। अच्छा। ये लिखा, तो मैंने बहन जी को दिखाया तो हम आ गए, शिविर पूरा हो गया, इनसे बातें की। तो इन्होंने कहा कि ठीक है मेरी तरफ से तो वही, मैंने कहा लेकिन मैं तो नहीं तैयार हूँ क्योंकि इनका रास्ता अलग है मेरा अलग है, ये तो दिल्ली की तरफ है मैं तो गांव की तरफ, मुझे जाना है। इतना स्पष्ट था आपके दिमाग में? बिल्कुल था, क्योंकि भाई जिन्हें गांधी जी को वचन दिया था कि अपनी शिक्षा का परिणाम तो बता सकते हैं जब मेरी लड़कियाँ गाँव में बैठ करके काम करेंगी लोगों को जगाने के लिए, महिलाओं को, आम आदमी को,
तो मेरा और इनका बिल्कुल दूसरा वो था। अब तो मैं तो ध्रुव थी फिर, और बिहार में भूदान के उसमें तो मैंने देवता कितने लोग हैं इसमें लगे हुए। तो फिर इनसे बात की तो मुझे पता था कि मेरे पिताजी तो कितने वो हैं। मैंने बहन जी को बताया कि समस्या बहुत कठिन है, तो बहन जी मेरे साथ गई हमारे घर। पिताजी तो पूरी तैयारी करके आ गए थे और बहन जी और मैं। तो पिताजी ने, मैंने कहा एक साल सोचने का समय दीजिए। अच्छा। और क्योंकि इनको भी अपना बदलने का इनको भी वो चाहे, तो इन्होंने तो कहा मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी तो बहुत उतावले थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप क्या जानते। उन्होंने उनको बहुत डांटा। मैंने आपके पास बगावती बनाने के लिए भेजा था अपने को। हाँ अच्छा। मैंने आपके पास बगावती बनाने के लिए भेजा था। मैंने तो पत्र दिया है, लोग तार दे के बुलाते हैं। अब मैंने उसको पत्र दिया है और इतना अच्छा लड़का, मैं इसको खोना नहीं चाहता हूँ। और मुझसे कहा कि यदि तुमने नहीं की अभी मेरे उस पर, तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद नहीं, ये समझ लो। अच्छा। हाँ ये कहा बोल रहा था। बहुत देर तक बोली, बहुत हुई बहन जी के साथ, बहुत देर तक बहुत हुई मेरे साथ बहुत हुई। फिर कहा कि परिवार के लोग मुझ पर इतना वो डालते हैं, अब तुम सब लोग इस पर वो करो। बहन जी नहीं होती तो मुझको बंद कर ही देते वो ताले में। पर बहन जी साथ में थी तो सुबह को हम 4 बजे निकल गए। अच्छा। बहन जी ने कहा तुमने क्या सोचा है। तो मुझसे पहले पहले हमारे घर गई, खाना भी कहाँ खाती हो, मुश्किल से इन्होंने एक रोटी खाई होगी। तो हम आए टेरी इनसे मिले। इन्होंने कहा ठीक है। तो फिर पर ये उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मैं बहुत बेचैन रहा। अच्छा। हाँ मेरी मैंने कहा कि तो फिर इनसे फिर और लोग भी जो थे, वो दादा धर्मेंद्रकारी थे, विमला ठकार थी, उन्होंने कहा कि हमको जितना हमने उस लड़के को देखा है तुम्हारा जीवन बहुत उज्जवल होगा, तुम्हें स्वीकृति दे देनी चाहिए। मैंने कहा जब तक इन्होंने तय नहीं किया राजनीति से तब तक नहीं करूँगा। तो आपने एक एक मात्र शर्त ये रखी कि शादी तभी होगी जब राजनीति से राजनीति छोड़ करके गाँव में बैठूंगी, तैयार हूँ, पूरी पूरा हमें गाँव में करना। तो फिर 29 तारीख को फिर हम देवप्रयाग से होकर के वहाँ मिले ऋषिकेश में, ये मैं बहन जी। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है मैं त्याग पत्र देने को तैयार हूँ और गाँव में। फिर मैंने कहा ठीक है मेरी तो एक ही शर्त है, आप राजनीति से वो तो मुझे कोई और दिक्कत नहीं है। फिर तब फिर तब उन्होंने वो दी दिया। फिर एक साल के बाद फिर अच्छा। एक साल तक फिर हमारा उसके बाद शादी हुई। एक पत्र व्यवहार चला एक साल तक। फिर उन्होंने जमीन वो इसी पर वो किया, तो उनको राजनीति वाले भी साथ छोड़ना सरल थोड़ी था। फिर कई उसके बाद छूटे, फिर गाँव में इन्होंने देखना शुरू किया अपना कार्य क्षेत्र कहाँ ठीक रहेगा। कई जगह देखी तो सिलारा सबसे पिछड़ा क्षेत्र था, तो वहाँ पर उन्होंने हमारे जाने से पहले वो कर दिया था। तो सिलारा में ही हम हमारा 19 जून 1956 को हम लोगों को सादे ढंग से सलाबेन आई थी। इनके परिवार के 2-3 लोग आए थे, मेरे पर माँ पिताजी भाई और गांव के लोगों को 48 रुपया खर्चा आया था हमारे। 48 रुपये शादी का खर्चा, 24 इनका और 24 मेरा। इन्होंने अच्छा बराबर 24-24। हाँ बिल अदायगी के लिए केस लिख, मैंने बिल भी लगाया है उस वक्त। अच्छा। वो जो पत्र है ना इनके। तो फिर मैंने छूटी हुई जमीन थी वो, और 20 साल तक लोगों ने फसल पर वो चंदा देते थे। अंधविश्वास था और सारा केवल अन्न के मामले में स्वावलंबी थे, लेकिन और मामले में वो सब पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। तो उनके साथ फिर इस प्रकार से दिन में लड़कियों को पढ़ाने का तो सवाल ही नहीं था। कहते थे लड़कों को पढ़ाएंगे तो कमा के लाएंगे, लड़कियों को क्या मतलब। तो हमने फिर कहा रात को भेजो, फिर रात को मैं वो लड़कियों को रात को पढ़ाने से उनका वो क्या। तब लड़कियों को जब अपने आप दिलचस्प पैदा हो गए उन्होंने अपने माँ बापों को, फिर वो क्या फिर दिन में भी चलने लगा। जाति को लेकर के भी बड़ा जहाँ, तो वो तो घर घर से अपना वो लेकर के आती थे ना रात को, जब पढ़ने के लिए आते थे तो हर एक अपने खाना लेकर के आते थे। तो वहाँ पर सब अपने खाना मिल के खाते थे, हर जनर कोई सवाल ही नहीं था, सब मिल करके। तो अस्पृश्यता निवारण का हुआ, महिला जागरण का हुआ। फिर उन्होंने अपनी समस्याएं महिलाओं ने कहनी शुरू की कि हमारे गांव में शराब का हमको सबसे ज़्यादा कष्ट होता है, ये जो गांव की जो लोग शराब बनाते हैं हमारे लोग कमा के इसमें फूंक देते हैं। हमने कहा गांधी ने तो इतनी विलायत के उसको भगा दिया शासन को, और तुम अपने गाँव को नहीं कर सकते हो। तो फिर उनको सामूहिक रूप से फिर उनके पहले गाँव के जो कच्चे शराब बनने के केंद्र थे महिलाओं ने उस पर
बंद करवाया, तब उनकी ताकत बढ़ गई, तब उन्होंने कहा हम तो सरकारी दुकानों से लाएंगे। फिर उन्होंने सरकारी दुकानों पर धंधा देना शुरू किया। फिर उसमें पूरा उत्तराखंड एक था जी, ये थी वो ने उस समय हाँ। एक लहर थी, तो फिर उसमें सलाबेन की तपस्या भी समझो, और फिर एक सोचते थे कि लोग कि ये तो पढ़ लिख करके बौना जी मैं अपना इधर कुछ होगा इसमें मतलब, तभी तो ये लोग अपनी उधर न जा करके आराम की जंदन न जी करके हमारे साथ जो बोल रहे हैं हमारे कष्टों को मुक्ति के लिए बोल रहे हैं, तो हमारे साथ वो फिर जुड़े। तो फिर गोपेश्वर भी तीन तीन डेढ़ साल का बच्चा था, तीन साल का था और मेरा प्रदीप छः साल का था। अच्छा, इनको लगती मेरी माँ थी 60 साल की, मैं थी और मेरा बच्चा, तीन तीन पीढ़ी। इस प्रकार से जेलों में गई है ना, देहरादून की जेल भर गई थी, टेरी की भर गई थी, हम सहारनपुर की जेल में हमको रखा था। फिर तो जब वो गिनती करने आते थे तो महिलाएँ कहते गिनती क्या करते हो, हम तो जब तक तुमने वो नहीं निकाला कि दुकान बंद करेंगे बाहर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो फिर रोक करेंगे। ये शराब विरोधी आंदोलन शराब तो तब उन शराब विरोधी आंदोलन से ही महिलाओं की अपनी शक्ति का एहसास हुआ। उस समय उन्होंने पूरी दुकानें बंद करवा दी उत्तराखंड में, तब उनको एहसास हुआ कि हम तो इनकी नीतियाँ बदला सकती हैं यदि हम सामूहिक रूप से। बहनों में तो कष्ट सहने की शक्ति बहुत होती है, क्योंकि सारा पहाड़ का जीवन तो पहाड़ के शेष में आ गए, वो जिसका सारा जीवन जो है आधारित है पुरुष। तो फिर तब उनको अपनी शक्ति का एहसास हुआ, तब उन्होंने जंगलों में डेरे डालने शुरू किए। फिर वो चिपको आंदोलन, उसके लिए भी 8 साल लगे जी। और जिस समय सबसे अंतिम जो था बडियारगढ़ का, उस समय मेरे साथ 6 महिलाएं गई थी मेरे क्षेत्र जहाँ मैं काम करती हूँ, क्योंकि वहाँ स्थानीय महिलाएं दिन में आती थी, जुलूस आता था वो आता था, पुलिस साल चलती थी, पुलिस हमारा भाई है उससे नहीं लड़ाई है, भले कुलाड़े चमकेंगे हम पेड़ों पर चिपकेंगे, लाठी गोली खाएंगे अपने पेड़ बचाएंगे। तो फिर इस प्रकार से दिन में तो सब चलते थे, हम भी चलते थे, हम 6 महीने पर रात को, फिर तो ठेकेदार कहता था कि रात को काटो चांदनी रात में, आंदोलनकारी चले जाते हैं रात को काटो। तो जब पुलाड़ा चढ़ना शुरू होता था, हम 6 महीने वहीं रहती थी, तो हम रात को ही दौड़ती थी वहाँ चांदनी रात में, और दौड़ करके और फिर पेड़ों के आगे खड़ी हो जाती। फिर ठेकेदार से कहते थे मजबूत के हमने आदमी थोड़ी काटना है, ये विजय दरदारी जिनको सम्मानित किया गया उनका तो पाजामा ही एक बार फट गया था। अच्छा, हाँ उसमें न खुलाड़े के और उसके बीच में वो आ गए पेड़ पे, हाँ तो पहले ये गए थे वहाँ। तो इस प्रकार से 6 महिलाएं हम पूरा महीना रहे। बहुना जी को गिरफ्तार जिस समय किया, उस समय रात को 3 बजे आए, साहब उठ गए साहब गए, मैंने कहा भी नहीं उठे, बस जैसे उठे उनको तो पकड़ के, तो हमने ऊपर से नारे लगाए कि क्या है जंगल के उपकार मिट्टी पानी और बया, मिट्टी पानी और बया जिंदा रहने के आधार। तो तब लोगों ने सुना, लोगों को पता चल गया कि ये गिरफ्तार हो गए ले गए हैं। तो फिर तो और ये गिरफ्तारी वहीं से हुई थी बडियारगढ़ से। उनको फिर पहले कीर्तिनगर लाए, फिर उनको फिर लाए, फिर देहरादून लाए, और फिर हम वहीं जमे रहे जी। वो जो 6 महिलाएं थी वो तब आए जबकि उसका बंद होने का, हरे पेटों पेड़ों पर प्रतिबंध लगने का जब आदेश आ गया तब हम वापस आए। अच्छा, तो बहनों ने बहुत मजबूती से मोर्चा संभाला, इसलिए चिपको आंदोलन जो है सफल हो सका। इधर एक दिन से 8 साल लगे और छापा मार युद्ध किया, और जितना उनसे हो सकता साम दाम दंड भेद। फिर लोगों को जब हम छानी में रहते थे तो जिस झोपड़ी हम रहते थे तो उन्होंने जैसे बहुना जी को तो गिरफ्तार करके लाए, तो फिर लोगों को डराना शुरू किया कि अपने झोपड़ी में क्यों रहे, तुमको गिरफ्तार करेंगे। तो एक बहन ने हमारा सामान बाहर फेंक दिया, सामान क्या होना था अपने मार पकाने खिचड़ी का वो और हमारे कम्बल वगैरह कपड़े उनको बाहर रख दिया, ताल लगा दिया। तो हमने लौटे शाम को तो हमारे साथ मंगसरी देवी थी 60 साल की, तो उन्होंने कहा अरे हम अपने लिए आए हैं यहाँ से, कैमर कहाँ है और हम कहाँ हैं, हमारा जंगल है कि तुम्हें तुम्हारा मिट्टी तुम्हारी पानी तुम्हारा वो पशु उनके लिए बचना है कि हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे लिए आए हैं। तो फिर दूसरी बहन ने कहा, उसने अपने छाने का खोला, चलो यहाँ रहो मैं नहीं डरती हूँ, मैं सारी महिलाओं को इकट्ठा करूँगी, कितनों को ले जाएंगे जेल। फिर हम आ रहे, तो फिर जब आदेश हो गया हरे पेड़ पर तब हम आए। तो इस प्रकार से बहनों ने, इस आंदोलनों ने बहनों में बहुत जागृति पैदा की।
और उसके बाद वहाँ से वन आंदोलनों से और फिर बांध विरोधी आंदोलन जो है टिहरी जो है ये वाला दौर ये कैसे हुआ? टिहरी आना कब हुआ? बांध विरोधी में भी भैया वो नहीं जीत पाते, उन्होंने क्या क्या हमारे 14 लोगों की हत्या की इन्होंने। सबसे ज़्यादा आते थे हमारे केमर से, हमारे क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आते थे जलुद्दीन, जिस दिन प्रदर्शन होता था सबसे ज़्यादा वहाँ से आते थे। तो ये लोग जो थे ठेकेदार प्रशासन मिल करके इन्होंने ये नीति बनाई कि इनको करो, तो उन्होंने हमारी जो प्रदर्शनी से जो वापस जा रहे थे उस दिन इन्होंने उसका ड्राइवर को तो शराब पी करके अलग कर दिया और दूसरा अपना ड्राइवर रख दिया और उसको सारी योजना बना दी कि तुम गिरा देना बस को और ले जाए, और एक उस पर वो अपने आप तो भाग गया और आंदोलनकारियों की बस को हो गया। उसमें हमारे 14 लोग मारे गए तरुण, तब नहीं तो ये नहीं बना पाते। तो फिर खैर वो तब फिर हमने कहा कि तो हत्यारे हैं, और फिर उन्होंने गांव गांव में जा करके लोगों को और भेजोगे वो बना के आंदोलन में और जाओगे, और कई उतने मरे लड़के कितने अपंग हैं अभी भी। तो उसने हमारे आंदोलन को तो हम 12 साल हम नदी के किनारे पर रहे जी। 2 साल हम फिर राधा रतुड़ी समय डीएम थी, 2 साल हम ऊपर रहे और उसके 14 साल का हमने वनवास झेला है बांध के उसमें। ये कौन सा साल था जब आप टिहरी नदी किनारे जब आए थे? 89 में भवना जी आए थे। अच्छा। और 91 में भूकंप आया था जी, और उस भूकंप का बांध के भूकंप का कहा कि भूकंप का वो हमारे बांध पर कुछ असर नहीं पड़ा। इन्होंने कहा हमारा बांध इतनी ऐसी टेक्निक उच्च बना रहे हैं कि वो नहीं टूटेगा, वो झेल लेगा। लेकिन उसके जो जामक गांव में बांध बनाने के लिए जो प्रक्रिया है, जो विस्फोट होते हैं, जो सारे पेड़ का जो हिल जाता है पूरा, वो हमने वहाँ देखा, क्योंकि वहाँ विस्फोट होते थे, हमारे जो मेज पर रखा हुआ बर्तन था वो हिलता था। और हमने देखा कि जब भूकंप आया तो मनेरी बांध के समय उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा लोग हमारे मनेरी बांध में मरे उस भूकंप में, और वो किस लिए? क्योंकि वो मनेरी बांध के बनते समय जो विस्फोट हुए थे उस समय उन्होंने कहा था उन जो लोगों ने कि जिस समय ये विस्फोट होते थे हमारे तवे की रोटी उछलती थी, तो सारे वो तो सबसे ज़्यादा लोग मृत्यु वहाँ हुई मनेरी के आसपास के। तो उसमें हमने उस समय कहा कि अब नहीं बनेगा, लेकिन ये तो मिली हुई वो होती है ना पूंजीपति और शासन दोनों का मिला हुआ ठेकेदार हो, तो फिर वो बन गया। जैसे कल सवाल उठ रहा था कि बांध तो बनी गया और क्या हुआ, लेकिन एक बहस छिड़ी बड़े बांधों के क्या नुकसान है इसके प्रति पूरी दुनिया में। बहुना जी ने उनके जितने आंदोलन के जितना लेखन जितना होता पूरी उसमें जागरूकता पैदा की ये कितनी नुकसानदायक है। हमारा टिहरी बांध देखे, टिहरी बांध जो है एक तो संस्कृतियाँ जो हैं नदी घाटी के उसमें पनपती हैं, जितना भी है वो है घाटियों को हमने डुबा दिया। हमने सुना था कि गोरवाचेप जब भारत आया तो उसने कहा कि हमने बड़ी भूल की कि हमने अपनी उपजाऊ जमीन को तो पानी में डुबो दिया, और हम कटोरा लेकर के हमको मायने की स्थिति आ गई है, क्योंकि जो जिस पर अन्न पैदा होता है उसे हमने डुबा दिया। तो उसने खुद महसूस किया, और उनके जो वो थे सारे इंजीनियर थे जो थे वो उन्होंने टिहरी बांध में लगा रशियन इंजीनियर रशियनों को यहाँ वकर उनको तो वो मिल गया रोजगार। और हमारे जो लोग हैं हमारी एक संस्कृति जो पहाड़ी आदमी में जुझारूपन होता है जो होता है जो आपसे प्रेम होता है हमारे सारी संस्कृति समाप्त हो गई। और फिर अब जो हमारे जो हिले हुए हैं वो केदार पर उसकी दृष्टि से हम देख रहे हैं कि आज उसकी दृष्टि क्या है पर्यटन है ना, उसके लिए हम हजारों पेड़ काट रहे हैं। एक पेड़ को बनने में उगने में कितना समय लगता है वो नहीं समझ सकते हैं, वो कागजों पर करते हैं काम है ना। और हम जो है हमने धरती पर उगाया है देखा है कि एक पेड़ को बड़े होने में कितना समय लगता है, इतने पेड़ों से हमने उसको खाली कर दिया धरती को, और पानी का जो है धीरे धीरे करके रसाव होता है वो नीचे आ रहे हैं, धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं। बांध में जो ये था प्रस्तावित कि इस जब आज़ादी हुई उसके बाद प्रताप ऊपर के जो गांव हैं जहाँ पानी कमी हो रही है और
वहाँ पंपिंग करके उनको पेयजल के लिए दिया जाएगा, लेकिन जब बांध बन गया तो उनके लिए तो पीने का सवाल ही नहीं है फिर, तो उनको तो पीने का पानी नहीं है। और इसका जो है इसको हम बड़े बांध के लिए वहाँ कर रही हैं। तो संस्कृति समाप्त हुई, विस्थापन हुआ, उपजाऊ ज़मीन को हमने उसमें डुबा दिया। और अब जो आ रहे हैं धीरे 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 करके वो जो नीचे आ रहे हैं, वो एक संकेत है कि हमने कितना बड़ा नुकसान किया है। और सामरिक दृष्टि से भी कितना नुकसानदायक है, कहीं पाकिस्तान या चीन उस पर यदि एक बम डालेगा तो पूरा उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड का तो भारत पूरा जाएगा। आपकी जो स्मृति है पिछली, उसको देख के मुझे मैं अचंभित हो रहा हूँ बार बार कि आपको एक एक चीज़ बड़े अच्छे से याद है। आप और आपके जो कंसर्न्स हैं अभी हाल की चीज़ों को लेकर के, वो भी वो बहुत अच्छा है कि आप इतना अपडेटेड हैं इस उम्र में भी। आप जोशीमठ के बारे में आप जान रही हैं, समझ रही हैं, उस पर एक बार बात करेंगे। लेकिन माँ जी, इस पे आने से पहले थोड़ा सा ये जिक्र बताइएगा कि आपकी कुछ ऐसी यादें भी हैं जो सबसे मुश्किल दौर रहा, जिस दौर में आपको लगा कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ या बहुत ज़्यादा संघर्ष का रास्ता चुन लिया है, या कुछ ऐसे दौर भोगना जी के साथ में कुछ ऐसी यादें जो बहुत जीवन में सबसे मुश्किल और कठिन दौर रहा। मुश्किल समय ये होता था जब भोगना जी का उपवास लंबा खींचता था। उपवास जी बहुत लंबा जब खींचता था, उन्होंने परिवार की तरफ तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उनकी बीमारी है, उनको शिक्षण है, उनका क्या है, इनके बारे में वो कहते हैं मैं तांगे के घोड़ा हूँ, मेरी नज़र बस एक ही तरफ रहती है, तो उसके बारे में। पर मुझे इसका वो नहीं था, क्योंकि ठीक है मैंने उनको प्रेरित किया था और वो एक उसके लिए लड़ रहे थे, मुद्दों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन एक डर लगता था जब बात जब लंबे बात लंबे हो जाते थे तब डर लगता, तो भी ये नहीं था कि क्योंकि हता हुआ प्राप्त से सुकम जीता हुआ भविष्य में। फिर मैं सोचती थी शरीर गया लेकिन दो ही चीज़ें, या तो जीत होगी और शरीर जाएगा भी, शरीर ने तो एक दिन जाना ही है, तो एक विचार के लिए जाएगा, पर अपने लिए हृदय में तो होता था। वो कठिन समय होता था जिस समय लंबे उपवास में और कोई निर्णय नहीं हो पाता था, वो सबसे कठिन होता, सबसे कठिन दौर थे। सबसे कठिन। और बाकी वैसे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भोगना जी कैसे रहे? जैसे आपने बताया कि एक तरफ उनका कंट्रीब्यूशन परिवार के प्रति बहुत कम और समाज के कम था ही नहीं, परिवार के प्रति तो ये राजीव है ना, तो ये वो अपने डाक देखने के लिए आते थे आश्रम में, घूमते थे। उन्होंने पूरे हिमालय को अपने पैरों से कई बार नापा है जी, है ना, इसलिए उनके अनुभवों को कोई काट नहीं नकार नहीं सकता है, उनके अनुभवों को नकार नहीं सकता है, क्योंकि वो तो अपने, और वो कहते थे वो हेमवती नंदन बहुना जी कहते थे अपने लोगों का, अरे ठीक है लोग, वो तो पूरे आंकड़े उंगलियों पर गिनता है। तो आंकड़ों उनको इतना तेज दिमाग था, पूरा वो था। तो मुझे बच्चे बीमार होते थे तो उसका भी मुझे, मैं कभी कभी मुझे टिहरी भी लाना पड़ा अस्पताल में, तो मुझे अपने आप रहता, पर इन्हें मैंने कभी इनसे शिकायत उस मामले में कभी नहीं की कि उन्होंने उस पर दिया, क्योंकि पूरी शक्ति ठीक है, मैं इधर संभाल रही हूँ, उधर संभाल रही हूँ, उधर मैं भी, हमारा जो वो था पहले हमारा आठवीं तक था, हमारी माधुरी जो थी आठवीं तक उसने वहीं शिक्षा की। अच्छा। हाँ, फिर इम्तहान देने के लिए अपने ताऊ जी के पास गई, और फिर हमने जब मैं ज़्यादा आंदोलन में बाहर जाने लगी तब फिर पाँचवीं तक रखा हमने। अच्छा। तो मेरे हमने दोहरा जीवन नहीं रखा कि गांव के लोगों के लिए अलग और अपने लिए, जहां गांव का बच्चा पढ़ा मेरे बच्चे वहां पढ़े, फिर पास में स्कूल था, फिर राजू पे, तो राजू का पहला प्रश्न होता था, वो अपने डाक देखने आते थे इधर उधर से घूम करके रात आते सुबह, तो सबसे पहले पूछता था पिताजी आपने कब जाना है, सबसे पहला, क्योंकि उसको मालूम था कि सुबह चले निकल जाएंगे। माने बहुत कम समय उन्होंने आश्रम के लिए, बहुत कम समय होता, हाँ यदि कुछ समस्या है तब उस पर वो बैठते थे। तो इस प्रकार से तो मलाल नहीं था, हम ये था कि हमारा साझा वो है और वो उस पर हैं, तो मुझे इधर संभालना है। और वो गांव के लोगों, शिक्षित लोगों के लिए वो लोग एक प्रेरणा का वो था, वो हमारी एक प्रयोगशाला थी वो, है ना, जो कि आम आदमी के लिए कि अपनी खेती सब खेती बाड़ी करते हुए पशु के साथ, गांव की महिलाओं को तभी तो हिम्मत आई कि मैं भी जंगल से घास लकड़ी जाती थी उन्हीं की तरह, और उन्हीं की तरह सारे काम करती हुई, और फिर बौद्धिक काम भी करती थी, पढ़ाती थी, और उनके बीच में उनको रात को उनके साथ वो भी करती थी, तो उनकी हिम्मत बढ़ी। और माँ जी बीच में कई बार देखिए, जब कोई भी व्यक्ति इस तरह से काम करता है जिस तरह से भोगना जी ने किया, इतना लंबा उनका संघर्ष रहा, आपका संघर्ष रहा पूरे जीवन भर का,
तो कई बार ऐसे दौर भी आते हैं जब कई लोग कई तरह के सवाल या आरोप भी लगाते हैं जी, जी। तो इस तरह के कई दौर भोगड़ा जी के जीवन में भी आए जी। जब कई लोगों ने जैसे बांध के लिए ही जैसे चर्चा होती है हाँ, कि नहीं हो पाया, खत्म हो गया। हाँ ये कहते हैं कि पैसा पैसा मिला था फिर बैठ गया। हाँ पैसा खत्म हो गया। हाँ कि कुछ लोग कहते हैं कि पैसा लेके बैठ गया और पैसा खत्म हो गया तो फिर बैठ गया। इस तरह के कई तरह के आरोप, कई तरह के मुआवजे को लेकर के आरोप कि इस जगह जमीन ले ली या इस जगह घर ले लिया या ये कहते थे कि मैं कभी जगह नहीं छोड़ूंगा, इस मतलब कई तरह के जितने मुंह उतनी बातें। इस तरह के जब आरोप उस दौर में लगते थे जी, जी। तो उनसे कैसे उभरते थे या जब कभी ऐसा अफसोस होता था कि जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं के बीच ना, से नहीं होता था क्योंकि लोगों के आम मुंह होती है जो लोग एक वर्ग होता है ना जिसके उस पर चोट आ रही है, ठेकेदार वर्ग है, प्रशासन है, तो हमको मालूम था ये इनको बरगला रहा है, इनको बरगला रहा है और इसलिए तो हम उसके लिए तैयार थे। बोगना जी कहते थे ना कि तीन वो मिलते हैं क्या उपेक्षा कुछ ऐसा वो गिनाते थे कि अच्छा। तो हमें उसके उसके लिए हम तैयार थे उसका, तो ये हमें जो मिला लोगों ने क्यों छोड़ा बहुना, बहुत लोग का उन्होंने कहा कि मैं आखिरी आदमी होऊंगा जो कि टिहरी छोड़ूंगा। और डीएम को तीन लोग रहे थे हुए थे वहाँ पर, तो बहुना जी जब उनकी उनके लिए व्यवस्था कर दी डीएम ने उनको उनके पुनर्वास के उनको घर दिया, गोपाल सिंह राणा थे और एक दूसरे थे हम तीन लोगों, तो सबसे पहले तब हम यदि बहुना जी वहाँ जल समाज लोग कहते हैं कि जल समाज ले लेता उससे थोड़ा उससे फायदा होता है या उससे फायदा हुआ जी उन्होंने अभी तक पूरा वो किया उसके लिए पुनर्वास के लिए जो संघर्ष किया लोगों के लिए और सारे देश को जो पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता पैदा की। वो शेखर पाठक ने लिखा कि बहुना उनके उसके पर कि सबसे बड़ा काम यह किया कि नवयुवकों को उससे लैस कर दिया पर्यावरण के सामाजिक उसके प्रति लैस कर दिया। तो युवकों के लिए हमारे कार्यकर्ता जितने थे उनके लिए एक उदाहरण था, एक प्रयोगशाला थी कि अपना घर गृहस्थी चलाते हुए हम सामाजिक मुद्दों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, करना चाहिए परिवार के साथ साथ, ये नहीं कि परिवार के परिवार छोटा है, परिवार के साथ साथ संघर्ष हो सकता है, ये उस लोगों को प्रेरणा मिली उससे और निकले उससे कार्यकर्ता फिर। ये वो हमारे एक प्रयोगशाला थी जी। और हमारा मेरा तो एक साधना स्थल था कि मुझे आत्म जो मेरे स्वप्न थे कि महिलाओं की स्थिति के बारे में वो किस प्रकार से हो, तो अब तो नहीं भी लड़की बिकती नहीं है, दहेज के प्रति मैं लड़कियों से कहती हूँ उनमें आत्मबल पैदा होना चाहिए कि हम दहेज नहीं लेंगे, लड़कों को भी सोचना चाहिए कि बहुना ये हमारे मेरे सामने खुद मेरे परिवार वालों ने चुनौती रखी। हम लोगों ने उसी शादी में शामिल होते थे ये नियम बनाया जिसमें अच्छा, दावत दहेज वो बोला हो, तो हमने हमारे परिवार में हम शादी में इन परिवार में भी शामिल नहीं हुए, गांव में तो नहीं शामिल होते थे उनमें शामिल हुए। तो मेरे जो सबसे बड़े जेठ थे तो मेरी जिठानी तो चली गई थी उस समय, तो मुझे मैं थी उस घर में, दोनों जिठान चली गई तो नहीं जा सके, तो मेरे जो वो थे दामाद वो आए वहाँ और कहा कि मैंने कहा उनसे कहा कि हमारे कुछ सिद्धांत हैं मैं शामिल नहीं हो सके, तो कहा ठीक है तुम्हारे आपके सिद्धांतों का आदर करते हैं तभी तो मैं आया, लेकिन ये तो ससुरा जी तो ऐसे ही हैं पर आपने नहीं सोचा कि हमारी नींव जाएगी, आपका सोचना क्या था। तो मैंने कहा देखिए मैंने उनको क्या जवाब दे दी उनको, तो फिर तब जब मधु की हमारे तीनों बच्चों की शादी स्वामी जी के यहाँ हुई और जब मधु की शादी हो गई तो मेरे सामने तो चुनौती का वो उत्तर, तो भगवान जो सच्चे हृदय से काम करता है उसकी भगवान मदद करता है, रास्ता वो निकालता है और हमारे रास्ते निकलते गए, कहीं पर उसने अटकने नहीं दिया। आपसे आपका अनुभव इतना अच्छा है और आप इतना प्यार से इतनी मिठास से आप बता रही हैं कि मेरा लालच बढ़ता जा रहा है, लेकिन बहुत देर मैंने आपको परेशान किया, बहुत देर तक आप बैठी हैं, आप कमर गर्दन में भी तकलीफ है, तो बस यहाँ मैं आखिर बात इस पे आएंगे कि आपके इतने लंबे अनुभव के आधार पर अब जब आप इस तरह की चीज़ें देखती हैं जोशीमठ में जैसा हो रहा है और विकास का जो मॉडल अभी भी अपनाया हुआ है सरकारों ने, आपके इतने लंबे संघर्ष के आधार पर इस मॉडल को आप कैसे आंकते हैं? बहुत दुख होता है, प्रकृति चेतावनी दे रही है, पहले केदारनाथ में है ना, उसमें हमने जल्दी से जल्दी ठेकेदार सोचता है ना कि जिसका ठेका है जल्दी जल्दी पूरा होगा, ज़्यादा विस्फोट करता है
फिर व्यापारी जो है जो वो है वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इमारत बना करके अपना पैसा वहाँ पर कमाएं। इस प्रकार का विकास का जो हमारा वो है उसकी चुनौती हमने केदारनाथ में इतनी देख ली, उसमें हम नहीं चेते। और जोशीमठ में फिर हम उसी प्रकार कर रहे हैं, तो वहाँ भी हमारे सामने प्रकृति ने चुनौती दे दी है। तो हमको अपना हिमालय जो है तो वो हमको तीर्थाट उसको पूरे उसको घायल नहीं करना चाहिए, उसको हिलाना नहीं चाहिए, आराम देना चाहिए उसको इस प्रकार से जैसे यहाँ के लोग और वहाँ के लोगों के यहाँ के लोगों को रोज़गार छोटे छोटे जो विकास का जो है ऐसा होना चाहिए कि उनसे लोगों को वो भी मिले, रोज़गार भी मिले, छोटे छोटे अपने घर हों है ना, और उस पर उनका जो खाने पीने सबका जो पाँच तारा होटलों की क्या ज़रूरत है वहाँ पर इस प्रकार के, और इतनी चौड़ी सड़कों की क्या ज़रूरत है हमारे लोगों को, वो खच्चर वालों को उसको उसको रोज़गार रोज़गार मिलेगा, यहाँ का आदमी यहाँ टिकेगा, सामरिक दृश्य होगा, हमारी हिमालय की गरिमा उसका सौंदर्य बना रहेगा, लेकिन हम बदलने को तैयार नहीं हैं। और भोगना जी कुछ बातें बहुत प्रोमिनेंटली हमेशा कहा करते थे, एक तो वो बताते थे कि चीड़, मोटर रोड, बांध, शराब इन सब ने पहाड़ों को बर्बाद कर दिया है, दूसरा वो जो छोटे बांधों के हित में वो बात करते थे, बिजली बना हुआ खाला खाला करके धारा पानी ढाल पर डाला, बिजली बना हुआ खाला खाला, वो कहते थे यहाँ के पानी का और यहाँ के जवानी का उपयोग यहाँ के लिए नहीं हो रहा है, यहाँ का पानी बाहर चला जा रहा है। वो कहते थे कि छोटे छोटे उसमें हम छोटे छोटे वो बना करके और यहाँ के आदमी के रोज़गार के वो ऐसे वृक्षों से चीड़ के चीड़ से, क्योंकि चीड़ जो है वो मिट्टी को उपजाऊ नहीं बनाता है और पानी को नहीं संचित करता है, उसके पत्तियों की जो खाद है वो खेतों के लिए नुकसानदायक है, तो चीड़ तो किसान का दुश्मन है। तो इसलिए वो कहते थे कि चौड़ी पत्ती के वन लगें जिससे कि हमको धरती की जो खोई हुई शक्ति है वो लौटे, उनके पानी के स्रोत बढ़े, उनकी जो उपजाऊ वो है वो बढ़े, उसका सौंदर्य कारण निखर के आए। उन्होंने कहते हैं स्विट्जरलैंड ने अपनी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि अपनी प्रकृति को कायम रखा है और उस प्रकृति को देखने आते हैं। ये मैं चाहती हूँ कि हमारे पहाड़ के लोग, बहुना जी कहते थे कि मैंने जो अनुभव किया है मैं पूरे उनको सजग कर जाऊँ कि हमारे सामने गांधी ने एक चुनौती रखी थी, गुलाम पैदा हुए आज़ाद होकर मरना, हमने अपने परिवार लेकिन तुम्हारे लिए नई पीढ़ी के लिए जिंदा रहने का सवाल है, हमारी मिट्टी पानी जो जिंदा रहे के जो आधार हैं उनको तो हमने विकास के नाम पर उनका समाप्त करते जा रहे हैं, तो तुम कैसे जिंदा रहोगे, तुम्हारे लिए इसलिए तुमको अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी है ना, अपनी जीवन शैली बहुत आवश्यक है कि हम पहाड़ी लोग हैं, अपनी जीवन शैली भोग विलास की जो कितनी भी समझ की कोई सीमा नहीं होती है ना, तो हमको अपने जीवन में भी कुछ मूल्य अपनाने चाहिए, अपने युवकों को यदि हम बगैर ज़्यादा भोग विलास में ज़्यादा चीज़ों में ज़्यादा संग्रह में कुछ शान कौन किसको याद रखता है, आज जमाना किसको याद रखता है, गांधी नंगा फकीर था, नंगा फकीर जब गया वहाँ और तो मैंने सुना कि उनसे वायसराय ने पहले तो कहा कि उसको लाएं कि ना लाएं, तो उसने कहा कि ले आओ देखे तो सही कैसा आए हो जिसने सारे उसको ये कर रखा है, तो जब गया तो उसने व्यंग से कहा अरे गांधी तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं तुम नंगे, तो उन्होंने कहा मेरे देश के सारे कपड़े तो तुम यहाँ ले आए हैं, तो उसमें हिम्मत थी ऐसा बोलने की वायसराय के सामने, तो ऐसी हिम्मत हम तो उसको उस गांधी को याद करते हैं और लंगोटी वाले गांधी को, लेकिन पूंजीपति जो है उसको कौन कौन याद करता, कितने ही चले गए कितने चले गए, इसलिए हमारे युवकों को और हमने तो अपना जीवन ही एक हमने सोचा कि एक उदाहरण के रूप में उनके लिए होना चाहिए कि जीवन कम से कम चले गए लेकिन याद करते हैं। आज कल के दिन परसों जिस दिन भावना जी की श्रद्धांजलि सभा थी तो अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी वालों ने एक उस दिन श्रद्धांजलि सभा रखी और मधु से कहा कि 5 किताबें मिली और फिर कहा कि यहाँ तो इतनी मांग हो गई कि मैं खुद आ करके कभी ले जाऊँगा, तो मैंने लोग अपने फिर केरल से एक बहन आने वाली थी तो उसने कहा कि मैं सोच रही हूँ वहाँ पर तो लोग मना ही रहे होंगे पर भावना जी को यहाँ दक्षिण के बहुत
याद मानते हैं, तो पर मैं लोगों को याद दिलाऊं उस आदमी की जिसने कि सजग किया है पर्यावरण के प्रति लोगों को, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर ये कार्यक्रम करूँ। फिर दिल्ली में भी कुछ लोगों ने किया और मुझे उससे ज़्यादा खुशी होती है कि हम एक जगह पर हम मनाएं, हम तो जानते हैं हम तो क्या, लेकिन जो और लोग जो हैं आम आदमी जो है वो उनको याद करें, इससे मुझे ज़्यादा खुशी होती है। और उनके बहाने पूरे पर्यावरण चर्चा हो, लोगों की समाज के प्रति पर्यावरण के प्रति उनकी चेतना का विकास हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी हमसे बात करने के लिए। आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उनके अनुभव जो साझा किए उसमें कई तरह के संदेश हैं, वो संदेश आप तक पहुँचें। और कुछ सवाल अगर आपके अभी रह गए हों, हम कोशिश करेंगे क्योंकि उनके अनुभव इतने विराट हैं कि वो शायद इस एक डेढ़ घंटे के प्रोग्राम में कंप्लीट नहीं हुए होंगे। कुछ सवाल होंगे तो हम दोबारा से उनके साथ में समय लेके उनसे बात करेंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा और देखते रहिएगा बारहमासा।